दोस्तों ये है बरेली जिला, जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। ये जिला अपने सांस्कृतिक धरोहर और विविधता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। साथ ही बरेली जिला अपने झुमका, बांस की बनी वस्तुएं, सुरमा निर्माण व पतंग उड़ाने वाले मांझा के कारोबार के लिए जाना जाता है। दोस्तों प्राचीन समय में यह ऐतिहासिक शहर रुहेलखंड की राजधानी हुआ करता था। सन 1857 की क्रांति में बरेली जिले ने एक मुख्य भूमिका निभाई थी। बरेली जिले को नाथ नगरी, झुमका नगरी, सुरमा नगरी ऐसे कई नामों से जाना जाता है और जिले का जिला मुख्यालय व कार्यालय बरेली शहर में स्थित है। बरेली जिले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह जिला उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी हिस्से में रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो राज्य की राजधानी लखनऊ से 256 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही यह जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। बरेली के पूरब में पीलीभीत, पश्चिम में रामपुर, दक्षिण में बदायूं व शाहजहांपुर जिले से घिरा हुआ है। 4120 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए बरेली जिले की वर्तमान अनुमानित आबादी लगभग 35,48,000 लोगों की है। वहीं इस जिले के लिंगा अनुपात की बात करें तो यहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 883 महिलाओं का लिंगा अनुपात पाया जाता है। साथ ही यहां पर मुख्य रूप से हिंदी व उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं और यहां की कुल आबादी में 58.48% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। बरेली जिला एक कृषि प्रधान जिला है। जिले का अधिकांश भूभाग काफी ज्यादा उपजाऊ होने के कारण यहां की मुख्य अर्थव्यवस्था का आय स्रोत व मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। जिले के रूरल एरिया के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से धान, गेहूं, गन्ना, सरसों और आलू जैसी फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। दोस्तों बरेली जिला अपने घूमने लायक कई खूबसूरत जगहों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है। यहाँ पर मौजूद बरेली का झुमका चौराहा, ये खूबसूरत स्थल हरे भरे गार्डन व आर्टिफिशियल पेड़ पौधों से सजा हुआ है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अक्सर बिहार पार्क, इस शानदार पार्क में पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर आप पार्टी कर सकते हैं तथा परिवार के संग मौज मस्ती करने के लिए आ सकते हैं। फन सिटी वाटर पार्क, इस पार्क में हरे भरे पेड़ पौधे, झूले व वाटर स्लाइडिंग का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर गर्मियों के मौसम में पर्यटक भारी संख्या में मौज मस्ती करने के लिए आते रहते हैं। अलकनाथ मंदिर, यह मंदिर बरेली के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ पर देश के हर कोने कोने से श्रद्धालु भारी संख्या में आते रहते हैं। कहा जाता है सावन व महाशिवरात्रि के समय यहाँ आने से भगवान सभी की इच्छा पूरी करते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बरेली जिला 6 तहसीलों में बटा हुआ है, जो इस प्रकार है: बरेली, फरीदपुर, आंवला, नवाबगंज, बेहड़ी और मीरगंज हैं। ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की बात करें तो बरेली जिला रेल, सड़क और हवाई मार्ग के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग के द्वारा देखें तो बरेली जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन व बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन लखनऊ मुरादाबाद मेन लाइन पर स्थित है, जो अपने रेल मार्ग के द्वारा देश व राज्य के कई शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सड़क मार्ग के द्वारा देखें तो बरेली शहर आगरा, लखनऊ, दिल्ली, नैनीताल जैसे कई शहरों से अच्छी तरह से सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग, बरेली शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरेली हवाई अड्डा, जो कि एक सैन्य हवाई अड्डा है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।